सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईटा हम आए बिट्टू जो हमको भी लगा हमको भी मारा सर। कल हम लोगों के साथ एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी डीएसपी का ऑफिस अपना अधिवक्ता संघ के बचाने के क्रम में हम लोगों के साथ मारपीट हुई। अधिवक्ता संघ के भवन को क्षति पहुंचाया गया और इसी क्रम में मैंने एफआईआर किया। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो एसडीओ एफआईआर किए, न एसीजीएम वन एफआईआर किए, न डीएसपी एफआईआर किए। हमने एफआईआर किया, अभी तक एफआईआर नहीं दिया गया। इसी के प्रोटेस्ट में हमने कहा है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट जज डीएम और एसपी नहीं आएंगे, जब तक वार्ता नहीं होगी, तब तक ये तालाबंदी हम रखेंगे। इसके लिए हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात है जो कल जो पहली बार जो काला दिवस बनाया गया, काला अध्याय जोड़ दिया गया, आज तक कभी भी न्यायालय पर आक्रमण नहीं होता था। कल उपद्रवियों के द्वारा न्यायालय पर आक्रमण किया गया, जिसको बचाने के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु बुरी तरह अधिवक्ता बंधु को भी घायल किया। हम लोगों ने प्रशासन को कहा, प्रशासन भी विलम्ब से यहाँ पहुँची और अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आप लोग का जो स्ट्राइक चल रहा है किस बात को लेके? दल सिंह सराय न्यायालय में कल वकीलों पर बंद समर्थकों ने जानलेवा हमला किया, दर्जनों वकील हमारे घायल हो गए। इसके विरोध में हम लोग आज समस्तीपुर न्यायालय का कार्य का बहिष्कार किए। जो बंद का आह्वान किया गया उसमें अधिवक्ताओं के वकालतखाना में और न्यायालय में घुसकर बंद समर्थकों ने हल्ला हंगामा किया, मारपीट किया, रोड़ेबाजी किया और जख्मी कर दिया, और जख्मी कितने वकील को जख्मी कर दिया, न्यायालय का शीशा फोड़ दिया और टेबल कुर्सी वकील का वकालतखाना को क्षति पहुंचाया। इसीलिए दल सिंह सराय के अधिवक्ता सब हड़ताल पर हैं और उनके समर्थन में हम भी हड़ताल पर हैं कि कोई हम लोगों पर हमला बोले। इसके लिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि तत्काल दोषी को गिरफ्तार करे, थाना प्रभारी और वहां के डीएसपी को निलंबित करे। पहले से सटे डीएसपी का कार्यालय 0 किलोमीटर पर था ना, तब इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उसी जबकि जिला प्रशासन को मालूम था कि आज यहां पर बंदी है, इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और प्रशासन की उपस्थिति में दर्जनों वकील घायल हुए हैं, उन पे जानलेवा हमला किया। व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं न्यायालय कक्ष में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ आंदोलनकारियों द्वारा मारपीट किया गया। वहां के जितने भी उपस्थित थे कुर्सी टेबल आदि को तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया गया और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनी रही और
इस क्रम में कई एक अधिवक्ता बुरी तरह जख्मी हो गए और उसी के लोगों के समर्थन में आज समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के सारे अधिवक्ता अपने आप को न्यायालय का हाथ से अलग रखे हैं और जो दोषी व्यक्ति है उन्हें अविलंब पुलिस गिरफ्तार करे नहीं तो आगे और आंदोलन तेज किया जाएगा।